नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं भक्त भक्ति और भगवान। ये अंतिम सप्ताह है जो भक्तों से संबंधित वीडियो आएंगे। कुछ कथाएं आपको सुना देता हूं क्योंकि अगले सप्ताह से हम इलेक्शन के वीडियो देखेंगे, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में आपको पता है इस समय इलेक्शन की प्रक्रिया चलेगी, इलेक्शन का मौसम है और इस चुनावी प्रक्रिया में एक जवाबदारी ये भी रहती है कि पूरे भारतवर्ष से श्रोता लोग इन वीडियो को सुनते हैं और किसी को भी जो नए जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में उनको भी दिक्कत ना हो, औरों को भी दिक्कत ना हो, इसके लिए इस पर भी वीडियो बनाने ज़रूरी होते हैं। तो अगले सप्ताह से वो प्रोग्राम चलेगा और इलेक्शन के वीडियो पूरे होने के बाद हम फिर किसी एक नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। आज आपको राम नाम के महिमा की एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। वैसे तो पहले भी एक कथा सुना चुका हूँ हनुमान जी को लेकर के। आज की कथा है जीवंती वेश्या की। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, एक भजन की पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है। जीवंती नाम की ये वेश्या है, प्राचीन काल की कथा है, अपनी नगरी की, बड़ी ही सौंदर्यमयी लेकिन बड़ी ही सातिर कह सकते हैं ऐसी वेश्या। अगर एक बार इसके चंगुल में कोई व्यक्ति फंस जाए तो फिर आप ये मान लीजिए कि जब तक उसके पास धन है या जब तक उसके पास मजबूत तन है तब तक वो इससे छूट नहीं सकता। एक साथ अनेक लोगों को वश में रखना, ये तो वेश्या का चातुर्य वैसे भी होता है। नित्य प्रति प्रातः काल होते ही अपने स्थान पे सुसज्ज होकर के और कब कौन कहां से आ जाए, किसको कैसे फंसा लिया जाए, यही इसके जीवन का लक्ष्य है। कुछ लोग जीवन निर्वाह के लिए ये कार्य करते हैं लेकिन कुछ लोगों को इस कार्य में आनंद आता है। और ये जीवंती उनमें से थी जिसको इस वेश्या कर्म में आनंद मिला करता था, क्योंकि पैसा भी है, शारीरिक सुख भी है। और आजकल तो आप नहीं मान सकते हैं लेकिन किसी समय में नगर गणिका होना या नगर की वेश्या के रूप में आपकी स्थापना होना, ये भी एक पद हुआ करता था। इसकी भी जैसे आजकल आप कह सकते हैं कि कोई नगर सुंदरी हो, मिस इंडिया, मिस गुजरात, मिस हरियाणा, ऐसे तो ये एक प्रकार का पद हुआ करता था। तो जीवंती जो है वो इस प्रकार की वेश्या की जिसको अपने कार्य में अत्यधिक आनंद आया करता था और इसके लिए जो भी उसके पास आ जाए क्या व्यवहार उसके साथ करना, वो कितनी भी क्रूरता का भी हो ना तो भी उसको किसी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं होती थी कि एक स्त्री के तौर पे किसी के साथ पीड़ाजनक व्यवहार ना करें। यानी अगर सीधी भाषा में कहें तो उससे बड़ी कोई पापिन नहीं हो सकती है। इस प्रकार के स्वभाव की है वेश्या। एक दिन प्रातःकाल ये बैठी हुई है और अचानक एक व्यक्ति तोता बेचता हुआ निकलता है। एक छोटा सा तोते का बच्चा, बड़ा ही सुंदर है। इस वेश्या ने संबंध तो बहुतों के साथ बनाए लेकिन संतान कभी नहीं होने दी, क्योंकि संतान तो इसके लिए बाधक हो जाती ना, तो संतान कोई नहीं है वेश्या। कई बार कुछ वेश्याएं इस प्रकार के निर्णय ले लेती हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति दिख गया तो उसके साथ संबंध का परिणाम भी वो प्राप्त कर लेती हैं, संतान वगैरह भी। लेकिन इसने अपने जीवन में, क्योंकि उसका लक्ष्य ही ये नहीं है,
या उसको और किसी जगह सुख ही नहीं दिखाई देता है, दो ही जगह सुख है, या तो पैसे में या शारीरिक संबंध में, तो उसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए उसने कभी किसी संतान को जन्म नहीं दिया। अब वो तोता अच्छा लगा तो इसने तोते वाले से कहा कि भाई ये हमें दे दो, तो उसने उसका मूल्य लिया और इसको तोता दे दिया। इसने सोचा इसको कुछ सिखाना तो पड़ेगा, तो उसने कहा था कि मैंने इसको थोड़ा राम राम सिखाया है, आप थोड़े दिन अगर इसकी प्रैक्टिस करवाओगे तो ये परफेक्टली बोलने लग जाएगा। वैसे तो शायद वेश्या ने कुछ और सिखाया होता उसको, लेकिन तोता बेचने वाले ने ये कहा था कि मैंने इसको राम राम बोलना थोड़ा थोड़ा सिखाया है, यानी ये नर्सरी केजी और प्राइमरी पूरा कर चुका है, अगर इसको आगे पढ़ाओगी तो ये पढ़ जाएगा। तो वेश्या ने दूसरे दिन से उस तोते को राम राम बोल, राम राम बोलो, राम 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 बोलना सिखाना शुरू किया। अब तोता भी धीरे धीरे उसकी आवाज को भी समझने लग गया, उसकी नकल करने लग गया, राम राम बोलने लग गया। फिर तोते की तो आदत होती है, अब तो कोई अगर आता है तो बोलता है राम राम, कोई जा रहा है तो भी बोलता है राम राम, कोई कुछ कर रहा है तो भी तोता है बोलता है राम राम। वेश्या स्वभाव से तो आपसे कहा कि बड़ी ही दुष्ट प्रकार की स्त्री थी, लेकिन जब से उसने तोते को राम राम बोलना सिखाना शुरू किया तब से उसके साथ उसको भी राम राम तो बोलना पड़ता है। सुबह होता तो भी तोता बोलता है राम राम, तो उसके साथ वो भी बोलती है राम राम। धीरे धीरे उस तोता के साथ में इस जीवंती को इतना लगाव हो गया, क्योंकि कोई भी स्त्री हो उसको संतान प्रिय होती है, इसके लालन पालन में दिन रात लगी रहती है, हर चीज का इसका ख्याल रखती है। किसी दिन अगर वो गुस्सा हो जाता है, पता चल जाता है कि राम राम बोलना बंद कर देता है। आज सवेरा हुआ, अगर उसने राम राम नहीं बोला तो वेश्या को बेचैनी होती है, तो तुरंत अच्छे अच्छे फल खिलाती है उसको, जो प्रिय लगता है। अब तो मालूम पड़ गया कि ये चीज उसको अच्छी लगती है, वो चीज तुरंत उसके लिए लाई जाती है, उसको खिलाई जाती है, और वो भी जैसे अपनी पसंद की चीज मिलता ही है उसके बाद तुरंत बोलता है राम राम। वेश्या भी सामने कहती है राम राम। अब तो ये एक व्यावहारिक प्रक्रिया हो गई है, सुबह उठते बैठते कोई भी आए कोई भी जाए, जैसे ही वेश्या सामने आ जाए तोता तुरंत राम राम बोलता है और वेश्या भी उसको तुरंत जवाब देती है राम राम। ये प्रक्रिया जैसे दोनों का स्वभाव हो गया है। देखिए, वेश्या ने अपने कार्य में कोई फर्क पैदा नहीं किया है, वो जैसे लोगों को निचोड़ती थी, जैसे लोगों के साथ व्यवहार करती थी, वो सब वही रहा, लेकिन हर वक्त ये राम का नाम जो है वो तोते के भी मुख पे चढ़ गया है और उस वेश्या के भी मुख पे चढ़ गया है। अब कुछ भी होता है तो राम राम मुंह से निकलता है। भागवत में स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, पद्म पुराण में भी पूरी कथा आती है कि मृत्यु काले द्विज श्रेष्ठ रामेति नाम यह स्मरेत सा पापात्मापि परम मोक्षम आपनोति जैमिने। अपने शिष्य जैमिन से कहते हैं महर्षि वेदव्यास कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मृत्यु के समय पहली बात तो यह है कि व्यक्ति के मुंह से राम निकलता नहीं है, लेकिन वो कितना भी बड़ा पापी हो अगर मृत्यु के समय उसके मुंह से राम राम निकल जाए तो उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो सीधा विष्णु के लोक जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आपने अजामिल की कथा तो सुनी, अपने पुत्र का नाम नारायण रख के किस प्रकार से उसको मुक्ति मिली। आज ये जीवंती वेश्या का भी अंतिम समय आ गया है, और घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि बीमारी से उधर तोता भी पीड़ित है और ये वेश्या भी पीड़ित है। अब ना तो किसी व्यक्ति के आने की चिंता है, ना किसी व्यक्ति के जाने की चिंता है, चिंता है तो अपने प्राणों की और तोते के प्राणों की।
तोता भी राम राम बोल रहा है, उसके साथ में वेश्या भी राम राम बोल रही है, और ऐसे में वो घड़ी आ जाती है जब इन दोनों को ही मर जाना है। तोता भी कोई पुण्यात्मा तो था नहीं भाई, कोई पापात्मा होगा, किसी ने कोई दुष्कर्म किया होगा तभी तो ये योनि मिली, और इस योनि में मिलने के बाद भी किसी वेश्या के घर में जाने का, रहने का नंबर आया तो वो भी। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि जिसने इस तोते को वन में से पकड़ा था तो वो भील, लेकिन वो बड़ा ही धर्मात्मा था, और उसने इसको राम नाम जो सिखाया था वही राम नाम वेश्या ने इसको सिखाया, और आज दोनों की नैया पार लग जाए इसका साधन बन गया है। तोते के प्राण निकल रहे हैं लेकिन वो राम 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 चिल्ला रहा है, और जैसी पीड़ा उसकी बढ़ रही है वैसी ही पीड़ा वेश्या की बढ़ रही है, और जितने बार तोता राम बोलता है वेश्या भी उतने बार राम राम का उच्चारण कर रही है कि इसको अच्छा लगना चाहिए। उसी समय यम के दूत आकर के पहुंच जाते हैं इस जीवंती वेश्या को लेने के लिए, लेकिन जैसे ही इसके प्राण निकलते हैं इसके मुंह से भी बस वो राम राम ही निकलता है। इधर तोता मरा, इधर वेश्या मरी, दोनों के मुंह से राम नाम का जप चल रहा है। तुरंत विष्णु लोक से विष्णु के पार्षद आकर के पहुंचते हैं, लेकिन उनने क्या देखा, वहां तो पहले से ही चंड अपने सेवकों के साथ जो यमदूत है, यमराज के जो दूत हैं, उसमें चंड जो है उनका सेनापति है, तो सेनापति चंड और उसके और जो दूत हैं वो सब आकर के यमदूत पहुंच गए हैं, और दोनों को उन्होंने, तोते को भी और उस वेश्या को भी, यम पास से बांध दिया है, उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी विष्णु के दूत कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम लोग। बोले अरे ये महापापी है, इसने वेश्या ने पूरी जिंदगी इतने दुष्कर्म किए हैं, इस तोते ने भी बहुत सारे दुष्कर्म किए हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग ले जा रहे हैं। बोले तुम्हें पता नहीं है कि मृत्यु के समय अगर कोई राम के नाम का जप लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो तो परम धर्मात्मा हो जाता है, उसको तो सीधा विष्णु लोक में जाना होता है, इसलिए इन दोनों को लेने के लिए हम आए। वह चंड सेनापति खुद आया था तो वो कहता है कि देखो भाई अब तो हमने ने बांध लिया है, और हमारे प्रभु की जब एक बार यमराज जी की आज्ञा हो जाती है ना तो फिर हम किसी की नहीं सुनते हैं। अब अगर आपको कोई अर्जी देनी है तो यमराज जी के पास जाके दो। लेकिन ये भी विष्णु के दूत हैं, ये तो सबके पिता के पिता हैं, है? कहते हैं भैया हमने ऑर्डर किया कि इनको छोड़ दो तो छोड़ दो। यमदूत जो हैं चंड की वजह से, अपने वेग की वजह से थोड़े अभिमान में थे, और उन्होंने सीधा ही जो विष्णु दूत थे उनसे कह दिया कि देखो अब हम इनको कैसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ये यम पास से बंध गए हैं और अब तो यमपुरी में जाके ही इनके ये पास छूटेंगे। उन्होंने, क्योंकि विष्णु दूत जो है विष्णु तुल्य चतुर्भुज, अपने चक्र का प्रयोग किया, सारे बंधन काट दिए। अब तो चंड को बड़ा क्रोध आ गया कि अरे ये कैसी बात है, अपने स्वामी की आज्ञा से मैंने इन दोनों को यमलोक ले जा रहा था और देखो इन्होंने ऐसा किया है। तो चंड ने तो आक्रमण कर दिया, विष्णु दूतों के सामने तो कहां इनकी चलने वाली थी, तुरंत ही पराजित हुए हैं। विष्णु दूत दोनों को लेकर के गए हैं, लेकिन चंड और उसके जितने वहां सैनिक आए हुए थे सबकी बड़ी दुर्दशा हो गई है, बड़ी पिटाई हुई है, मुंह से खून बह रहा है। यमलोक में जाकर के पहुंचे, बोले महाराज आप हमें भेज तो देते हो लेकिन कोई सही सा हुआ क्या, ये दशा कैसे हुई, वो तोता और वो वेश्या जब दोनों मरे तो वो राम राम बोल रहा था, वेश्या भी उसका अनुकरण करते हुए राम राम बोल रही थी, और इतने में तो विष्णु दूत आ गए और वो कहते हैं कि इनको तो हम लेके जाएंगे, हमने पहले ही उनको बांध लिया था क्योंकि हम तो पहले से उनके मरने की राह वहां देख रहे थे पापियों की, और उन्होंने हमारी ये दुर्दशा कर दी है। तो यमराज ने कहा कि भाई हमने तो पहले आप लोगों से कह रखा है कि आप कहीं भी जाओ इस चीज का ध्यान रखो, अगर मरने के समय कोई राम नाम का उच्चारण कर लेता तो उससे दूर हो जाओ,
क्योंकि फिर उस पर हमारा अधिकार ही नहीं रहता है। अरे महाराज, पर वो वेश्या तो कितनी पापिन थी, जीवंती, उसने कितने घर उजाड़ दिए, कितने लोगों को। यमराज ने कहा कि जब मृत्यु के समय राम का नाम आ गया तो फिर वो पापी हो ही नहीं सकता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अब तुमने गलती की तो परिणाम कौन भोगेगा। महर्षि वेदव्यास अपने शिष्य जैमिनी से कहते हैं कि इसलिए आपसे कहता हूं कि जीवन में सारे जीवन कितने भी पाप व्यक्ति ने किए हो, लेकिन मृत्यु के समय अगर वो राम नाम का जाप कर लेता है, राम नाम का उच्चारण कर लेता है, तो कभी भी उसके ऊपर यमदूत अपना प्रभाव नहीं कर सकते हैं, उसको सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस जीवंती वेश्या ने भी इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त किया है, विष्णु लोक को प्राप्त किया है, उस तोते ने भी विष्णु लोक को प्राप्त किया है। भैया, आप सबसे भी कहता हूं, ये एक दिन में संभव नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो बड़े लंबे समय तक चलती है। जब आप नाम का उच्चारण करना शुरू करते हैं तो या तो ये तोते जैसा कोई आधार मिल गया हो कि वो बोल रहा है, आपको बोलना पड़ रहा है तो वो सरल है, या फिर भक्त अजामिल ने जो किया कि पुत्र का नाम नारायण रख दिया, तो पुत्र को बुलाने के लिए आप नारायण नारायण करते रहो तो नारायण आपकी बात सुन ले। और अगर ये नहीं है तो भैया आपको स्वयं को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमेशा इस राम नाम का जाप करना पड़ेगा। और जब आप ये जाप करते रहोगे तभी अंत समय पे राम नाम मुंह में आ सकता है, अन्यथा तो भैया पूरी जिंदगी नून मिर्च धनिया में लगे रहेंगे और मृत्यु के समय पे भी वही याद आएगा और परिणाम तो आपको पता है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।